Well, today guys we are heading to my college, that is New Delhi Institute of Management, and आज मैं आप लोग को अपने पूरे कॉलेज का टूर देने वाला हूँ। एंड कई सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट्स है, तो मैं आपको एक बार पूरा कैंपस दिखा दूंगा कैसा है एंड प्लेसमेंट्स के बारे में बता दूंगा। ओके चलो चलते हैं। गाइस हम लोग कॉलेज के प्रमाइसेस में आ चुके हैं। दिस इज माय गुड फ्रेंड मोहन। यस गाइस हेलो। हाँ तो ये हमारे कॉलेज का क्या कहते हैं एंट्रेंस टाइप से, दो जगह से एंट्रेंस है। एक इधर से आप साकेत से आएंगे या फिर इधर गोविंदपुरी से। गाइस आज करके लड़के सब छोरी पटा रहे हैं, देखो हमें छोरा पटाखे घूम रहा है। गाइस दिस इज द फेमस कैंटीन ऑफ योर प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे हम लोग कॉलेज से ज़्यादा यहाँ रहते हैं एक्चुअली। एंड ये जो ये वाली बिल्डिंग है, दिस इज़ फॉर MBA एंड PGDM कोर्सेज। यहाँ पे मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं। सेम ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी MBA और PGDM के, तो दोनों मिक्स्ड है, दोनों का कॉलेज बराबर चलता है। एंड ऑल्सो जब आप आओगे ना तो यू विल बी कमिंग फ्रॉम देयर, मुझे पता है ज़्यादातर, क्योंकि ऑटो वाले उधर से ही लाते हैं। ऑल्सो ये हमारा मेन नहीं है, दिस इज़ फॉर MBA। आप अगर इधर आएंगे तो आप बुद्धू बन जाएंगे एज यूजुअल, जो कि मैं भी पहली बार बना था। मैं आपको BBA का दिखाता हूँ। BBA का ये है हमारी, दिस इज़ फॉर द BBA। एंड हाँ कैंपस छोटा है, ठीक है, ऐसे मॉल टाइप्स कैंपस है। गाइस दिस इज़ द कैंपस ऑफ द इंडिया एंड BBA। दिस इज एफिलिएटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। एंड कॉलेज ये काफ़ी अच्छा है। बस दी ओनली मेन डिप पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं खेलने वाला कैंपस नहीं होता। स्पोर्ट्स के लिए आपको उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको अपनी टीम बना के बाहर खेलने जाना हो, दैट कैन हैपन, बट यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए देर आर नो सच थिंग्स। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। दिस इज स्ट्रेट द कैंटीन, वहाँ पे कैंटीन है। एंड यहाँ से इनका मेन ऑफिस है अंदर जाने का। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये यहाँ पे इनका मेन यहाँ से एंट्रेंस है, बट हम लोग यूजुअली यहाँ से जाते हैं जिससे डिस्टर्ब ना हो ऑफिस में। तो इनकी ये कुछ कंपनीज है जो है, आपको दिखा देता हूँ, पेटीएम है, गूगल है, ये सब आती हैं। इनका एवरेज प्लेसमेंट वो है 7 लाख से 12 लाख है। अब इतना ही आता है हर बार। यहाँ पे मेन चीज़ है इंटर्नशिप्स के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स आते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल तो बाटा आया था, जिसमें मैंने इंटर्नशिप करी थी कुछ टाइम पहले, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, वैसे था। और प्लेसमेंट का ठीक ठाक है, मैं एकदम अच्छा नहीं बोलूँगा। गाइस ये बेसमेंट है यहाँ पे, मतलब अभी रेनोवेशन चल रहा है, प्रॉपरली हुआ नहीं है। यहाँ पे टीचर्स की मीटिंग के लिए रहेगा। इन्होंने दो रूम्स यहाँ बनाए हैं, क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं। मेन चीज़ है फुल एयर कंडीशन है पूरा इनका कैंपस, उनकी क्लासेस, तो इशू नहीं होगी, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी एंड चैन से अटेंड कर सकते हो क्लासेस और जो भी। ओके तो 4 फ्लोर्स हैं इस कॉलेज में। फर्स्ट इज़ फॉर लाइब्रेरी एंड क्या कहते हैं एक बड़ी सी क्लास है, हॉल रूम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड पे आपकी मेन क्लासेस वाले एरिया है। इनकी ये लाइब्रेरी है, ठीक ठाक साइज़ है, इसमें सारी अवेलेबिलिटी है सारी चीज़ सारे बुक्स की, तो आपको इशू नहीं होगा कोई बड़ा। दीज आर द क्लासेस, ये ठीक है, ACs वगैरह लगे हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे पढ़ाई के लिए ना रूम्स काफ़ी शांति वाले और अच्छे हैं। बस बच्चे ही उतना उधम मचाते हैं एंड बाकी तो आपको कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर पढ़ाई में। और तीनों फ्लोर्स का मैं थोड़ा थोड़ा आपको ग्लिम्प्स दिखा देता हूँ क्या कैसे है। ओके यहाँ पे 4th फ्लोर पे एक कंप्यूटर लैब है। ऑल्सो यहाँ पे भी क्लासेस हैं इनके कह सकते हैं। इधर ये बॉयज़ ग्रीन रूम है, पता नहीं क्या होता है। यहाँ पे भी 2 क्लासेस है एंड इसके जो ऊपर है डैट इज़ ऑडिटोरियम, जो कि बंद रहता है ज़्यादातर, इवेंट्स में खुलता है ना यूजुअली। अच्छा है, चलो देख लेते ऊपर है कि नहीं कुछ। खुला हुआ है तो रेनोवेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर हो नहीं पाया, पता हाल ही में हुआ है रेनोवेट। यार ये बहुत अच्छा है सच्चे में। यहाँ पे स्टेज लगता है बड़ा सा, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स के बैठने के लिए जगह रहती है। सारे इवेंट सही होते हैं हमारे, क्योंकि कॉलेज का उतना बड़ा कैंपस नहीं है, सो दिस इज दे हैव क्रिएटेड अ बिग स्पेस। ओके अभी मंथन हुआ था हमारा, आप दूसरे बॉक्स में देख सकते हो, वो भी यहीं हुआ था, उसका 3rd डे बाहर हुआ था।
तो बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बाहर चल के। तो कॉलेज के बाद मैं सीधे घर ही आ गया था। एंड एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। कॉलेज का कैंपस छोटा है बट ग्राउंड वगैरह है, तो आप यहाँ पे खेल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी चीज़ की। यहाँ पे स्पेसिफिक म्यूजिक रूम नहीं है बट म्यूजिक रूम अलॉट हो जाते हैं, सेम गोज फॉर द डांस। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ आते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। सोसाइटीज़ रहती हैं हर कॉलेजेस की, सेम इसमें भी है। सोसाइटीज़ में आप इंटर करोगे तो वैसे वैसे काम मिलेगा। और इसमें इवेंट होते हैं तो इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करा जाता है। और हाँ, एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि हर बंदा बंदी ये सोचता है कि उसका कॉलेज सबसे बेकार है, तो मैं अपने कॉलेज के बारे में कहना चाहता हूँ, इट्स अ रियली गुड कॉलेज। मैंने देखा है लोगों को बोलते हैं यार अच्छा कॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या है, उनको लगता है कि बड़ी स्पेस होने से ही कॉलेज अच्छा हो जाता है। दिस इज़ अ रियली गुड कॉलेज। फैकल्टीज़ अच्छी हैं, हेल्प करती हैं। कुछ चीज़ें ख़राब है, कैंटीन इज़ नॉट गुड, मज़ा नहीं आता उसमें, अच्छा कुछ खाना नहीं रहता है, ऊपर से फिर क्लासेस लेने का मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि इतने छोटे छोटे एक ही जगह बार बार घूमते रहोगे तो आप ज़्यादातर कॉलेज के बाहर ही दिखोगे, मुझे पता है। आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, आपको मेन चीज़ ये करनी है कि जब आप कॉलेज में आओ ना तो आपको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना है, जैसे इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो या फिर कहीं पे काम कर लो, तो उससे ना आपकी ग्रोथ भी बराबर ही होगी। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड कॉलेज दैट यू कैन ज्वाइन। तो इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालना जब तुम अपना एग्ज़ाम दो या फिर जैसे भी तुम्हारा एडमिशन हो रहा हो। ओके, एंड आई एम अभिषेक, आई एम इन सेकेंड ईयर। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। आई होप टू सी यू नेक्स्ट ईयर अगर तुम लोग आओगे फर्स्ट ईयर में। ओके, चलो सी यू।